व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। शीर खुरमा बना रहा हूँ आज। अब कई सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो ईद मनाने वाले हैं और YFL पर शीर खुरमा की रेसिपी नहीं है और कई सारे रिक्वेस्ट आए थे कि शीर खुरमा बनाइए, तो आज फाइनली रेसिपी आ रही है YFL पर। बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अब हर घर में कुछ अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज जो रेसिपी बता रहा हूँ सिंपल रेसिपी है। कंडेंस्ड मिल्क नहीं यूज़ करने वाला हूँ, सिर्फ दूध, सेवैयाँ, नट्स और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करके शीर खुरमा मैं आज बनाने वाला हूँ। और बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही ब्यूटिफुल शीर खुरमा की रेसिपी बनती है ये। सबसे पहले शीर खुरमा के लिए कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखना पड़ता है इस रेसिपी के लिए। वो तैयारी कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट सोक करके रखे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 से 7 ड्राई डेट्स हैं जिन्हें छुआरे कहते हैं। दो रंग के आते हैं, डाकर वाले मिल जाएं तो बेटर है। इन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया था इस तरीके से। साथ ही में मैंने कुछ नट्स भिगो के रखे हुए हैं, तो 15 से 18 काजू, 15 से 18 पिस्ता, 1.5 टेबल स्पून चिरौंजी और 15 से 18 बादाम, ये सारी चीज़ों को भिगो के रखा हुआ है। अब इन्हें छीलना है, तो बादाम को पहले छील लेते हैं इस तरीके से। इसका छिलका उतार लेना है, ये आप देख सकते हो बादाम का मैंने छिलका उतार दिया है। सेम तरीके से पिस्ते का भी जो छिलका है उससे भी छीलकर आपको निकाल देना है। तो आप देख सकते हो पिस्ते को भी हमने छील लिया है। उसके बाद जो सोक की हुई चिरौंजी है उसको इस तरीके से आपको रब करना है। तो चिरौंजी को भिगाने से पहले धो लिया था, एक बार ये सोक हो जाए तो इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। अब छिलके को सेपरेट करने के लिए आपको करना ये है, इन्हें आपको निकाल कर एक प्लेट पर इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इसे सूखने दीजिए या 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए, छिलके जो है ड्राई हो जाएंगे और इस तरीके से आप छिलके को फिर अलग कर सकते हैं। काजू जो भिगाए थे वो काजू का जो पानी है उसे आपने डिस्कार्ड कर देना है। साथ ही में यहाँ पर 1 टेबल स्पून किशमिश ले ली है। अब चॉपिंग बोर्ड पर आपको नट्स को जो है वो काट लेना है, तो बादाम को पहले ले लीजिए। बादाम को लेकर इस तरीके से बादाम के स्लिवर्स या आप चॉप भी कर सकते हैं, इस तरीके से काट लीजिए। बादाम एक बार काट लिए उन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब काजू को भी सेम तरीके से आपको काट लेना है। एक बार आपने काजू कट कर लिए तो उन्हें भी सेम बोल में आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। पिस्ते को भी इसी तरीके से आपको कट करके उसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर सेम बोल के अंदर जो साफ़ की हुई चिरौंजी है उसे भी ऐड कर दीजिए। अब जो हमने छुआरे सोक करके रखे थे, जो डेट्स सोक करके रखे थे उन्हें ले लीजिए। उन्हें आपको डीसीड करके इस तरीके से काट लेना है। आपको अगर छुआरे नहीं मिलते हैं तो आप डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश कीजिए जो थोड़ी हार्ड वैरायटी होती है डेट्स की वो यूज़ कीजिए, नहीं है तो दूसरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट डेट्स इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने छुआरों को इस तरीके से काट लिया है तो उन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 30 ग्राम गेहूँ की सेवैयाँ ली हुई हैं। ये सेवैयों को आपको इस तरीके से हाथों से तोड़ लेना है। शीर खुरमा में इसे पूरी पूरी सेवैयाँ नहीं ऐड की जाती, इसे क्रश करके ऐड की जाती है, तो सेवैयों को इस तरीके से क्रश कर लीजिए। तो शीर खुरमे के लिए एक बार आपने इस तरीके से तैयारी कर ली है उसके बाद आप शीर खुरमा एकदम फटाफट बना सकते हैं। कई सारी रेसिपीज़ में नट्स को डायरेक्टली भी यूज़ किया जाता है, सोक नहीं किया जाता है, तो कई तरीके होते हैं। ये वाला जो तरीका है आज मैं बता रहा हूँ इससे बहुत डिलिशियस शीर खुरमा बनता है। तो एक बार आपने ये तैयारी कर ली है उसके बाद आगे हमें दूध को उबालने रखना है और साइड में फिर ये नट्स, ड्राई फ्रूट्स को, सेवैयों को हम भूनेंगे घी के अंदर। वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो दूध को उबालने के लिए एक मोटे तले का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर 2 लीटर फुल फैट दूध आपको ऐड करना है, फुल क्रीम वाला दूध ऐड कर दीजिए। दूध ऐड करने के बाद गैस को हाई फ्लेम पर चालू रख के आपको दूध को एक उबाल पे लेके आना है। बीच बीच में जरा सा स्टर कर दीजिए कि दूध जो है वो नीचे लगे नहीं बर्तन को, और इस दूध को एक उबाल पे ले आइए। एक बार दूध में उबाल आ जाए इस दूध के बर्तन को दूसरे चूल्हे पर आपको ट्रांसफर कर देना है और लो या मीडियम टू लो फ्लेम पर दूध को कढ़ने देना है कि दूध जो है हमारा वो रिड्यूस होते रहे। बीच बीच में आप चाहें तो स्टर कर सकते हैं। अब एक दूसरा बर्तन लेकर 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करना है। घी एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर जो हमने नट्स कट करके रखे थे, काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी, वो ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर हल्का इसके ऊपर कलर आ जाए, बहुत डार्क तरीके से इसको भूनना नहीं है, एकदम लाइट रंग इस पर चढ़ जाए तब तक भून लीजिए। तो आप देख सकते हो नट्स के ऊपर हल्का हल्का रंग आ गया है। इन्हें अभी निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब सेम पैन को फिर से गैस पर रख के जो घी निकला था वो घी भी इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। सेम घी के अंदर ही बाकी की चीज़ें हम भूनेंगे। अब इसके अंदर जो छुआरे हमने कट करके रखे थे, जो डेट्स थे, वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में किशमिश भी ऐड कर दीजिए। दोनों चीज़ों को बस 2-3 मिनट तक आपको भूनना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। 2-3 मिनट आपने इन्हें भून लिया है, उसके बाद इन्हें भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए।
अब सेम पैन को वापस से गैस पर चलाकर 1 से 2 टीस्पून देसी घी ऐड करना है। घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो सेवैयाँ हमने क्रश करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए और एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से सेवैयों को भूनना है जब तक कि इनके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन रंग या डार्क ब्राउन रंग नहीं चढ़ जाए। तो एकदम लो फ्लेम पर सेवैयों को भूनिए, नहीं तो सेवैयाँ जो हैं वो बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो आप देख सकते हो एकदम हल्की आंच पर मैंने सेवैयों को भून लिया है। अभी इन गरम गरम सेवैयों को आपको दूध के अंदर इमिजिएटली ट्रांसफ़र कर देना है। साथ ही में जो छुआरे और किशमिश थी वो ऐड कर दीजिए। जो नट्स भी हमने भुने थे उन्हें ऐड करना है। मैं थोड़े से नट्स साइड में रख रहा हूँ गार्निश के लिए। अब इसके अंदर कुछ धागे केसर के डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। अब इस चूल्हे को मैं फिर से बड़े वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब शीर खुरमा को आपको मीडियम फ्लेम के ऊपर रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है यानी कि काढ़ना है, अच्छे से पकाना है ताकि जो शीर खुरमा है उसमें जो खजूर है, सेवैयाँ हैं, हर एक चीज़ का फ्लेवर आ जाए और हमारा जो दूध भी है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। यूजुअली हम लोग इसे 2/3 तक रिड्यूस करते हैं यानी कि 1/3 जो पार्ट है दूध का वो इवेपोरेट हो जाएगा, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा और दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। अभी लगभग 10 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से शीर खुरमे को आगे पकाना है और दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है। तो शीर खुरमा को अभी पका लेना है आपने स्टर करते हुए और इसे थोड़ा रिड्यूस करना है कि ताकि थोड़ा रिच और क्रीमी हो जाए। अब इस स्टेज के ऊपर अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 कैन यानी कि 200 ग्राम इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दीजिए। आपका काम क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वो रिचनेस क्रीमीनेस कंडेंस्ड मिल्क की वजह से आ जाएगी और जो मिठास है वो भी कंडेंस्ड मिल्क की वजह से आ जाएगी। शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कम मीठा खाते हो तो, ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ी शक्कर डालनी पड़ेगी। तो इस स्टेज पर आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हो। हम आज कंडेंस्ड मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए मैं इसे अभी और पका रहा हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 20-25 मिनट आधा घंटा आपने अगर पका लिया शीर खुरमा को तो आपका काम हो जाएगा और एकदम परफेक्ट शीर खुरमा बनता है, कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम तो नहीं ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए अभी 10-15 मिनट इस स्टेज पर शीर खुरमे को कुक करेंगे। उसके बाद इसमें शक्कर डालकर फिर 10-15 मिनट तक कुक करेंगे। तो टोटल ऑलमोस्ट 25 मिनट से आधे घंटे तक शीर खुरमा को कुक करना है। कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा, 10 मिनट में आगे आपका काम हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। एक बार 10 से 15 मिनट के लिए आपने शीर खुरमा को कुक कर लिया है, उसके बाद शक्कर डालकर आगे का जैसे प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 10-12 मिनट कुक करने के बाद थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। इस स्टेज पर 120 ग्राम इसमें चीनी ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। अब 10 से 15 मिनट के लिए शीर खुरमा को आपको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा बीच बीच में स्टर करते हुए पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए और गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट बाद ये और रिड्यूस हो गया है। हमने दूध यहाँ से शुरू किया था और आप देख सकते हो कितना लेवल डाउन हो गया है, काफ़ी दूध रिड्यूस कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो कितनी रिच और क्रीमी हो गई है। इस स्टेज पर आप गर्मा गर्म भी इसे सर्व कर सकते हैं या ठंडा करके चिल करके भी सर्व कर सकते हैं और हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। तो शीर खुरमा आपने देखा कितना आसान है बनाना। अब शीर खुरमा को गर्म भी सर्व किया जाता है, ठंडा भी सर्व किया जाता है, वार्म भी सर्व किया जाता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। अब पर्सनली मुझे तो एकदम चिल्ड शीर खुरमा पसंद है तो अभी इसे मैं ठंडा करके चिल्ड करने वाला हूँ। खाली अगर आपको गर्म सर्व करना है और आपको इससे भी थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी घर पर पसंद है तो 5-10 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए कि ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए और आप गर्म ही इसे एकदम ठीक सर्व कर पाओ। अगर आप ठंडा करने वाले हैं इसे तो इसी स्टेज पर छोड़ दो क्योंकि ठंडा होने के बाद शीर खुरमा थोड़ा थिक हो जाएगा और फिर थिक शीर खुरमा आप सर्व कर पाएंगे। तो अगर ठंडा करके सर्व करने वाले हो तो इसे और आपको कुक करना नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो अभी इसको मैं अभी चिल करने वाला हूँ और चिल करके शीर खुरमा को प्लेट कर लेते हैं वाईफल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस शीर खुरमा बनाया है एंड आई होप
आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए। जो भी मेरे भाई बहन जो ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं, शीरखुरमा की पहली रेसिपी थी नहीं चैनल पर, अब आ गई है, तो इस रेसिपी से शीरखुरमा अपने घर पर बनाइए और ईद सेलिब्रेट कीजिए। आपको एडवांस में ईद मुबारक। जरूर कमेंट्स में मुझे बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम।